गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जिस तरह से कल मैंने सुशील मोदी जी का ट्वीट देखा कि उन्होंने बैंक को खोल दिया है, मतलब उन्होंने बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है कि हम लोगों ने अपनी इच्छा से बैंक को बंद कर दिया और उनके कहने से फिर बैंक अपना जो रेगुलर टाइम हमारा हुआ करता था उस पर बैंक को खोला जाएगा। मैं माननीय वित्त मंत्री बिहार सुशील कुमार मोदी जी से जानना चाहती हूँ कि इस तरह वो करके क्या साबित करना चाहते हैं। क्या बैंकर्स एक आपके वोटर का, आपकी वोट लिस्ट का पार्ट नहीं है क्या? हम आपको वोट नहीं देते हैं? आई डोंट थिंक कि जितने बैंकर्स बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उतना तो कोई और सपोर्ट भी नहीं करता। उसके बावजूद हम लोग के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है मैं कभी समझ नहीं पाती हूँ। हर वक्त हर चीज़ों के लिए आप सबसे आगे बैंकर्स को कर देते हो, बैंक को ही वोट, इलेक्शन ड्यूटी लगानी हो बैंक को देना हो, कोई भी इमरजेंसी वार को बैंक को करना हो, नोटबंदी था आपने धकेल दिया, हमने भी किया। देश सेवा के लिए तो हम बने ही हैं भाई, देश की सेवा हमें करनी ही है, आप जैसे करवाओ। ना हमारी सरकारी नौकरी है ना हमारी प्राइवेट जॉब है, मैं तो समझ नहीं पाती हूँ कि किस तरह की जॉब हम लोग कर रहे होते हैं। जो भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उन्हें आपने घर में बैठा के रखा हुआ है, वो छुट्टियाँ मना रहे हैं, मतलब वो छुट्टी मना रहे हो या काम कर रहे हो, किस तरह का काम कर रहे हैं, आई डोंट नो कि उनका कोई भी कोई ट्वीट या कुछ भी ऐसा इंस्टाग्राम कुछ मैंने देखा नहीं है जो पता चले वो लोग क्या देश की सेवा में लगे हुए हैं। सिवाय चिकित्सा कर्मियों के, इसके अलावा मैं किसी और डिपार्टमेंट में कोई काम करते हुए नहीं देख रही हूँ लोगों को। जहाँ तक राशन किराना दवा की सवाल है तो हर चीज़ें रेट से थोड़ी मतलब ज़्यादा भी बिक रही है। सैनिटाइजर जैसी चीज़ तो मुझे पूरी दरभंगा जिला में पिछले 10 दिन से मैं खोजती रह गई थी पर नहीं मिला। मान लीजिए कुछ लोगों के पास रहे भी हों तो उन लोगों ने शायद प्राइस बढ़ा के दिया हो या जैसे दिया हो, बट वो एक नॉर्मल वे में सैनिटाइजर जैसे बिकता था वैसे बिक नहीं रहा था, वो मुझे मार्केट में नहीं मिला। इस केसेस में जहाँ हम लेडीज़ वर्किंग हैं, हमारी मैं एक वर्किंग मदर भी हूँ, मेरा एक बच्चा है, या हमारे जैसे जो भी महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हैं? क्या आपने ये थोड़ा भी सोचा कि हम बैंक से जॉब करके जब अपने घर को आएंगे तो क्या हमें अगर वो COVID-19 हो जाता है तो क्या इस तरह अपने घर के लोगों को ये चीज़ फैलानी रहे? और हमारे घर के लोगों को अगर ये होता है तो क्या हमें सोसाइटी में इसे प्रसाद की तरह बांट नहीं रहे? थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। अगर देश सेवा में ही लगाना है तो कुछ इस तरह की व्यवस्था रखो कि हम वहीं रह जाएं। अच्छा है, घर के लोगों से दूर रहेंगे तकलीफ़ होगी, बच्चे से दूर रहेंगे बहुत तकलीफ़ होगी, बच्चे को भी होगी, बट मच बेटर कि आप हमारी व्यवस्था बैंक में ही लगा दो, हमारा बेड भी बैंक में लगा दो, हमारे लिए इमरजेंसी वार्ड या जो भी आइसोलेटेड वार्ड करना है सब कर दो। समझेंगे कि मरना ही है, फाइनली मरने के लिए आए हैं तो जितना कर सकते हैं लोगों को करके जाएं। पर इस तरह जब हम घर आते हैं लोग हमें संदेह की दृष्टि देखते हैं, हम कितना भी हाथ धो लें कितना भी कुछ कर लें फिर भी मन में तो चलता रहता है कि अगर COVID-19 वाला कोई भी कस्टमर बैंक में आया होगा तो हमारा क्या होना है और हमारे घर के लोगों का क्या होना है? खाना हम ही बनाना है, काम हम ही कर रहे हैं, मेड को हमने छुट्टियाँ दे रखी है। सारी चीज़ों को करते हुए हम औरतें कहाँ तक सर्वाइव करेंगी? मैं तो ऐसे ही सर्दी खांसी से बीमार हो गई हूँ, मतलब पिछले 10 दिनों से मैंने मेड को छुट्टी दिया हुआ है, 10 दिन से ही दूध वाला हो, बच्चे का ट्यूटर हो, स्कूल हो, सब कुछ बंद है। और इस केस में आप घर में झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, बैंक भी जा रहे हैं, बैंक से आके अपने जितने होते हैं सब कुछ, मैंने तो मुझे ग्लव्स नहीं मिला तो लास्ट में मैंने वो सर्जिकल ग्लव्स वगैरह लेना शुरू कर दिया और मैंने वो भी काफ़ी ज़्यादा लेके स्टॉक कर लिए थे और हर दिन जाती थी हर दिन फेंक रही थी। पर अगर इस तरह कुछ होता है तो उसके लिए हम लोग भी एक जाहिल की तरह व्यवहार कर रहे हैं ना। अगर ये COVID-19 किसी एक को भी होता है तो ये तो फैल रहा है, हमारे पास किट नहीं है, हम स्वेच्छा से जाके चेक नहीं करवा सकते। अगर हमारी इच्छा है कि हम चाहते हैं कि हम COVID-19 का टेस्ट करवाएं तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, जो हमें परमिशन मिला हुआ है, हमें ऑर्डर मिला हुआ है कि जो लोग बाहर से आए हैं उनका ही टेस्ट करना। तो इस तरह तो हम लोग सोच रहे हैं कि सर्दी जुकाम है नॉर्मल वाला है कि COVID-19 वाला है, हम कन्फ्यूज हैं। और अगर हम कन्फ्यूज हैं और हम इस तरह लोगों को बीमारियाँ बांट रहे हैं और अगर हम घूम रहे हैं, इट मीन्स कि हम तो जीते जागते बॉम्ब है ना। इस तरह भाई अपने के दुश्मन बना के रखे हुए हो, मतलब लोग एक दूसरे से आप कटने लगे हैं, साइड होने लगे हैं। पूरी सोसाइटी में मैं सिंगल हूँ, जो मैं घर से मतलब सोसाइटी से बाहर निकल रही हूँ, लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मालूम पड़ता है मैं मतलब कितने सारे COVID-19 के वायरस लेके घूम रही हूँ, मूव कर रही हूँ। सलाह देते हैं कि ताला खोल देते हैं, हाथ सैनिटाइज करो, ये करो, वो करो। अब इतना कुछ करने के बावजूद भी एक बात मन में जो चलती रहती है, कहीं COVID-19 तो लेके कैरी तो नहीं कर रही हूँ। तो कर ले आप, हम औरतों के लिए भी कुछ सोचें, हम औरत बैंकरों के लिए भी कुछ सोचें, हम औरत जो वर्किंग मदर बींग हैं उनके लिए भी कुछ सोचें।
इस तरह के तुगलकी फरमान दे देने से कि बैंक खोल देना है, आप शिफ्ट में जॉब लगा दो ना, दो स्टाफ है आप शिफ्ट में जॉब लगा दो। हमारे जैसे लोग के लिए काम करना कोई टफ काम नहीं है, हम बैंकर्स तो पैदा ही हुए हैं काम करने के लिए, मर जाएंगे काम करते करते, बट आपका काम खत्म नहीं होगा वो हम लोग जानते हैं। लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स करके नहीं भाई कि हम लोग मर जाएं। हम लोग अकेले नहीं मरेंगे सर, हम लोग अगर मरेंगे तो बहुत लोगों को लेकर मरेंगे, और उसके अलावा और उसके बाद इंडिया में कोई नहीं होगा बचेगा जो आपको वोट कास्ट करे, आप खुद ही राजा होगे, खुद ही प्रजा होगे। दैट्स इट।